इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। रूसी हमले में हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर में यूक्रेनी फौज के लिए हथियार ले जा रहा था, जिसे पूरी तरीके से तबाह करती हुई रूस की सेना नजर आ रही है। यही वो हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए यूक्रेन की सेना तक हथियार पहुंचाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसी हेलीकॉप्टर को टारगेट करते हुए रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया। पूरा रूस के सैनिकों ने ये पूरा बंकर खोदा हुआ है और उसके बाद एक तरफ यूक्रेन की सेना हो, दोनों किस तरह से एक अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा है, दूसरी उस टेरिटरी जिसको उसने जीता है उस पर कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक और जगह पे ढक करके ये एमुनिशन रखा गया है, यूक्रेन की मिलिट्री इसको लेकर के जाएगी। उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे। ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया, ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में ना आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी। और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद है। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था, तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी।